Israeli drone has assassinated Saleh El-Arouri, a senior official. The Kremlin seeing the biggest drone attack yet inside Russia. Four Russian military planes destroyed. Drones, also known as the unnamed aerial vehicles, aaj modern warfare mein revolution la rahe hain. In fact, modern warfare ki history mein pehli baar sirf drones ki strength se war jeeta gaya hai. That is the war between Armenia aur Azerbaijan fought in 2020. हाँ, आर्मेनिया ने रिलाय किया टैंक्स आर्टिलरी एंड अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर, वेयर एज अजरबैजान विच वोन द वॉर रिलायड हेवीली ऑन ड्रोन्स. जो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दीज आर द विजुअल्स ऑफ ड्रोन अटैक्स कैरिड आउट बाय अजरबैजान ऑन आर्मेनियन सोल्जर्स. एंड जस्ट लुक एट द ईज विद विच दीज अटैक्स आर बीइंग कैरिड आउट. Drones ka usage is expanding quickly. 2010 mein 60 countries had military drones, which increased to 90 in 2019. Drones sirf military operations nahi, aur sectors ko bhi revolutionize kar rahe hain. Crop spraying in agriculture sector, medical deliveries, rescue ops in healthcare sector, wildlife monitoring and anti-poaching operations in the environment sector. Aur aise kai sare sectors aaj drone use kar rahe hain. सवाल ये उठता है कि इंडिया इस ड्रोन रेवोल्यूशन में कहां खड़ी है और क्या कर रही है टू बिकम अ लीडर इन दिस गेम चेंजिंग इंडस्ट्री. मैं हूं सिमरन और इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए ब्राइट विंग पर. 2022 में ग्लोबल ड्रोन मार्केट वॉज वर्थ $28.47 billion और इसमें इंडिया का शेयर कितना है? ओनली 4.25%. इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री हैज बीन अ लेट ब्लूमर. ड्रोन्स की ऑपरेशंस को लेकर बहुत सालों तक इंडिया में क्लियर कट लॉज ही नहीं थे. सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से 2014 में गवर्नमेंट ने सिविलियंस के लिए ड्रोन फ्लाई करने पर बैन लगा दिया था. बट सिचुएशन ऐसी थी कि सिर्फ फ्लाइंग पर बैन लगा था और मार्केट में ड्रोन्स अवेलेबल थे, बल्कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ उनकी सेल्स भी बढ़ रही थी. इसी कंफ्यूजन के चलते कुछ ऐसा होता था. पुलिस ने चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. चारों वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर ड्रोन कैमरे से वीडियो बना रहे थे. मार्केट में बड़ी कंफ्यूजन थी और 2018 में जाकर गवर्नमेंट ने ड्रोन का सिविलियन यूज लीगलाइज कर दिया, बट विद लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. कोविड में जब बाकी सेक्टर्स स्ट्रगल कर रहे थे, ड्रोन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला और बहुत से ड्रोन्स यूज हुए वैक्सीन डिलीवरी में, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेइंग में, विच हेल्प्ड अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ सिविलियन ड्रोन्स. और 2021 में हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लेकर आई द ड्रोन रूल्स 2021, जिसने हमारी ड्रोन इंडस्ट्री को सबसे बड़ा बूस्ट दिया. इससे गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट देखा गया. इट वेंट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू अ वेरी लिबरल वन. ड्रोन ऑपरेट करने के लिए पहले बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते थे, जैसे कि यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट, ऑपरेटर परमिट और ऐसे कई सारे अप्रूवल्स को अबॉलिश कर दिया गया. ड्रोन टैक्सेस, जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस काम कर रहे हैं, उन्हें इस पॉलिसी के अंडर रेगुलेशन में लाया गया, जो पहले नहीं था. ड्रोन कॉरिडोर सेटअप करने की बात भी कही गई. एंड इन फैक्ट एम्स दिल्ली एंड झज्जर इन हरियाणा विल हैव इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कॉरिडोर. और गवर्नमेंट ऐसे कई सारे चेंजेस लेकर आई जिनसे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के लिए ड्रोन्स ऑपरेट करना इजी हो गया. और ड्रोन से आए सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने 2019 में अलग पॉलिसी निकाली, एंटी रग ड्रोन फ्रेमवर्क. क्योंकि ड्रोन्स जितने बड़े टूल हमारे लिए हैं, उतने ही खतरनाक नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में भी हैं. और इन सब पॉलिसी चेंजेस से गवर्नमेंट एक सही बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है. मोदी गवर्नमेंट अब इंडिया को ड्रोन का ग्लोबल हब बनाना चाहती है एंड वॉन्ट्स टू मेक इट अ $30 billion इंडस्ट्री बाय द ईयर 2030. इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं. इंडिया अब तक ड्रोन्स के लिए इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट रही है, स्पेशली फ्रॉम इजराइल, विच इज द नेशन दैट डेवलप्ड द ड्रोन टेक्नोलॉजी. अकॉर्डिंग टू अ सिप्री रिपोर्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स. इन ड्रोन्स के मोटर्स, बैटरी और प्रोपल्शन सिस्टम जैसे की कंपोनेंट्स के लिए इंडिया चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट है.
अगर आप सिर्फ ड्रोन सॉफ्टवेयर का मार्केट देखेंगे तो इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 21.9 बिलियन डॉलर बाय 2026, विच इज रफली हाफ ऑफ द साइज ऑफ ओवरऑल ग्लोबल मार्केट साइज फॉर द ड्रोन इंडस्ट्री। इस सॉफ्टवेयर के मार्केट में इंडिया एक डिसरप्टिव रोल प्ले कर सकता है क्योंकि इट ऑलरेडी हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड आईटी सेक्टर। एक ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए इंडिया को इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए ताकि वो सिर्फ खुद ही के लिए नहीं पर बाकी नेशंस को भी ये सेंसिटिव सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करवा सके। और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत पुश कर रही है। ड्रोन इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए वर्थ 120 करोड़। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 2022 में एक और बड़ा स्टेप उठाया। इट बैंड द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स एक्सेप्ट दोज रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस सिक्योरिटी एंड R&D पर्पसेस। इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अराउंड 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसमें से 15,000 होंगी मैन्युफैक्चरिंग में। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग अ मार्केट मेकर रोल, जहां पे वो खुद डिमांड भी जनरेट कर रही है बाय अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स लाइक द स्वामित्व। इन पॉलिसी चेंजेस से हमारी ड्रोन स्टार्टअप्स को भी मेजर बूस्ट मिला है। इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ड्रोन स्टार्टअप्स अट्रैक्टेड 49.7 मिलियन डॉलर इन इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस 20 राउंड्स, विच वॉज 11.2 मिलियन डॉलर्स अक्रॉस 20 राउंड्स इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 300% इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगस्त 2021 में इंडिया में 157 स्टार्टअप्स थे, विच इंक्रीज टू 221 ड्रोन स्टार्टअप्स इन फरवरी 2022। इफ स्टैटिस्टिक्स आर टू गो बाय, इंडियाज ड्रोन सेक्टर हैज विटनेस अ 60% ग्रोथ इन 2022 कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। और फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का ड्रोन और काउंटर ड्रोन मार्केट विल राइज टू 23 बिलियन डॉलर बाय 2030। And for the Indian drone industry, जिसको अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं ठीक से स्टार्ट हुए, these are highly impressive numbers. अब बस देखना ये है कि इंडिया अपना टारगेट कितनी जल्दी अचीव कर पाती है।